हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सिको लिमिटेड आईपीओ को। एक्सिको लिमिटेड आईपीओ में यदि आपने अप्लाई किया है तो अलॉटमेंट स्टेटस किस तरीके से कैसे देख सकते हैं और साथ डेबिट, क्रेडिट और रिवॉक की मैसेज आप लोगों को दिखना कब से स्टार्ट होगा और इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस कितनी बन रही है, जीएमपी में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट, प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली छोटे बड़े अपडेट। एक्सिको लिमिटेड आईपीओ को यदि हम लोग देखते हैं तो ये आईपीओ 10 जून से ओपन हुई थी और 12 जून इस आईपीओ में आप लोगों को आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। फेस वैल्यू ₹1 है, प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग ₹93 जो कंपनी की कट प्राइस है, इसी कट प्राइस पर यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई करते समय सेलेक्ट करनी थी। वैसे तो इस कंपनी के बारे में बात करें तो 161 इक्विटी शेयर मिनिमम इस आईपीओ में 1 लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करनी है। और वैसे इस कंपनी के बारे में बात करें हम लोग तो यहाँ पे जिन्होंने ₹93 जो कट प्राइस है, इसी कट प्राइस पर को अप्लाई करते समय सेलेक्ट किए होंगे और लगभग 161 इक्विटी शेयर अप्लाई करते समय सेलेक्ट किए होंगे, उन्हें इस आईपीओ में अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम के माध्यम से आज के डेट में मिलेगी। क्योंकि यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 12 जून यानी कि आप लोगों को आखिरी दिन कल की डेट रखी गई थी इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। और आज की बात करें हम लोग तो यहाँ पे आप आज के डेट की देखते हैं तो आज के डेट में यहाँ पे देख सकते हैं अलॉटमेंट स्टेटस 13 जून रखी गई है, यानी कि आज ही के डेट में आप लोगों को अलॉटमेंट इसके रजिस्ट्रार साइट पर किस तरीके से कैसे देख सकते हैं उसको आगे आ जाए। तो यहाँ पे आप लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिले कल के डेट में पैसा रिफंड कर दिए जाएंगे और कल के डेट में ही डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और 18 जून की बात करें तो कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगी नेक्स्ट वीक ये कंपनी। वैसे इस कंपनी की बात करें हम लोग नंबर ऑफ टाइम्स की बात करते हैं तो QIB कैटेगरी में यहाँ पर देखा जाए तो ये आईपीओ 106 गुना से ज़्यादा तक सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। HNI कैटेगरी में लगभग 110 गुना से ज़्यादा ये आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली। HNI कैटेगरी में देखा जाए तो ये आईपीओ अच्छे खासे नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। बिग HNI कैटेगरी में लगभग 117 गुना तक ये आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। स्मॉल HNI कैटेगरी में लगभग 95 से 96 गुना तक ये आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली। रिटेलर्स कैटेगरी में लगभग 54 गुना तक ये आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर की बात करें तो लगभग 98 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। लगभग बिग HNI कैटेगरी में यदि आपने अप्लाई किया है तो मैक्सिमम चांस है कि इस आईपीओ में अलॉटमेंट आप लोगों को मिलते हुए देखने को मिल जाए। लगभग देखा जाए तो इस आईपीओ में यहाँ पे 23 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलेगी, 90 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को स्मॉल HNI कैटेगरी में, लगभग देखा जाए तो 53 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को यहाँ पर रिटेलर्स कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने की चांस बनते हुए देखने को मिली। टोटल इस आईपीओ में जिन्होंने अप्लाई किया है उनकी यहाँ पे बात करें तो मैक्सिमम चांस है कि बिग HNI कैटेगरी में ज़्यादा अलॉटमेंट मिलेगी, देन स्मॉल HNI रिटेलर्स कैटेगरी में, देन स्मॉल HNI कैटेगरी में। वैसे यहाँ पे देख सकते हैं 98.10 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला, जो कि काफ़ी अच्छी और बेहतरीन नंबर ऑफ टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए हम लोगों को देखने को मिली। इसके रजिस्ट्रार साइट पर विजिट करने के लिए कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइए। जैसे ही इसके रजिस्ट्रार साइट लिंक इन टाइम पे अलॉटमेंट स्टेटस दिखना स्टार्ट होते हैं वैसे ही लिंक शेयर करके आप लोगों को अपडेट कर दिए जाएंगे। वैसे इसके रजिस्ट्रार साइट पर विजिट करने के लिए जो लिंक शेयर की जाएगी अलॉटमेंट स्टेटस जैसे ही दिखना स्टार्ट होते हैं उस लिंक पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो इस तरीके के इंटरफेस वाली साइट पर विजिट कर सकते हैं। जैसे ही विजिट करते हैं स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर देखेंगे तो इन्फोसिस ऑटोटेक लिमिटेड कंपनी का आपको नाम दिख रहा होगा, उसी तरीके से एक्सिको लिमिटेड कंपनी का आपको नाम दिखना स्टार्ट हो जाए तो उसको सिलेक्ट कर लेना है। देन पैन नंबर है तो पैन नंबर इंटर करना है और सबमिट पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको अलॉटमेंट मिली या नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वैसे देखा जाए तो लगभग 7 बजे के बाद यहाँ पे लगभग 7 से लेकर 8 बजे के बीच में डेबिट, क्रेडिट और रिवॉक इन सभी तरीके की मैसेज बैंक की तरफ से आप लोगों को आते हुए देखने को मिलेगी। यानी कि आप लोगों ने इस आईपीओ में अप्लाई कर रखा है तो बैंक की तरफ से डेबिट का मैसेज आ रहा है तो समझिए आप लोगों को अलॉटमेंट मिल चुकी है, कॉन्ग्रेचुलेसन। और यदि आप लोगों को क्रेडिट और रिवॉक का मैसेज आ रहा है तो समझिए आप लोगों को इस आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिली है। तो इस तरीके किसी भी तरीके कोई भी मैसेज आ रही है तो कमेंट्स करके आप लोग बता सकते हैं। वैसे इसके बारे में जब भी अपडेट आएगी टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को लिंक शेयर करके अपडेट कर दिए जाएंगे। वैसे इस आईपीओ में आपने किस कैटेगरी में कितने लॉट अप्लाई किए हैं कमेंट्स करके आप लोग बता सकते हो। रही बात इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो एक्सिको लिमिटेड आईपीओ की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम 13 जून को जो अपडेट की गई है वो आप लोगों को ₹40 पर कारोबार करिए। ₹93 पर ₹40 की प्रॉफिट, ₹133 पे की लिस्टिंग प्राइस, 1 लॉट पर लगभग 43% तक की प्रॉफिट मिलने की चांस बन रही है। और देखा जाए तो लगभग 15,000 तक की इन्वेस्टमेंट राउंड पर 6,440 तक की प्रॉफिट आराम से आईपीओ बनाकर देती हुई देखने को मिल जाएगी। इस तरीके से इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएससी रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए देखने को मिल रही है। एक्सिको लिमिटेड आईपीओ में यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर यदि आप लोगों को अलॉटमेंट मिल जाती है तो आपको इस आईपीओ में शानदार पैसे बनने की चांस बनते हुए देखने को मिल रही है। वैसे भी यहाँ पे देखा जाए तो इस कंपनी की लिस्टिंग के बाद भी रिटेलर्स के द्वारा अट्रैक्टिव प्राइस अवेलेबल रहेगी। 113 के 140 से और 150 के आसपास लिस्ट होती है तो रिटेलर्स जिन्होंने अप्लाई किया है जिन्होंने अलॉटमेंट नहीं मिले उनके द्वारा भी शॉर्ट टर्म के लिए इस कंपनी के शेयर को बाइंग की जाएगी। तो इस आईपीओ के रिलेटेड जब भी किसी भी तरीके की अलॉटमेंट स्टेटस के रिगार्डिंग अपडेट आएगी कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक देगा, वहाँ पर आप लोग अपडेट कर दिए जाएंगे। लिंक शेयर करके सो जुड़िएगा ताकि आप लोग को अपडेट मिल पाए। और आपने इस आईपीओ में किस कैटेगरी में कितने लॉट अप्लाई किया कमेंट्स करके आप लोग बता सकते हो। सो आई होप आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।